एक दिन दोपहर में एक अफ्रीकन कोयल पक्षी पैर की शाखा पर बैठकर मजे से गाना गा रही है। फिर वो दूसरे पैर की शाखा पर जाकर बैठ गई, लेकिन इस बार वो खुशी से गाना नहीं गा रही है, क्योंकि उसके दिमाग में अब और कुछ चल रहा है। दूसरी ओर एक आदमी के घर के सामने एक लेटर बॉक्स में घोंसला बनाया है दो डोरियन रेड स्टार्ट पक्षी ने। घोंसला बनाने के बाद डोरियन मादा पक्षी ने घोंसले में अंडे भी दिए हैं। जब डोरियन पक्षी अंडे देने के काम समाप्त कर लेती है और जैसे ही घोंसले से थोड़ा दूर जाती है, उसी मौके पे कोयल मादा पक्षी डोरियन पक्षी के घोंसले में आकर अंडा देकर भाग जाती है, क्योंकि कनपदोष कोयल पक्षी का कोई घर नहीं होता, क्योंकि ये घोंसला बना ही नहीं सकते। इस प्रकार ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी अन्य प्रजातियों के पक्षी पर डालकर भाग जाती है। ये कभी अपने बच्चों के हालचाल पूछने तक नहीं आती। जब डोरिया पक्षी अपने घर लौटी तो उसने देखी उसके घर में 4 अंडे के जगह 5 अंडे है, लेकिन छोटा सा बेवकूफ डोरियन पक्षी को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने अंडे के सहित कोयल के अंडे को भी सतने लगती है। डोरियन पक्षी लगातार 12 से 15 दिनों तक अंडे को सतने के बाद एक अंडे से एक चूजा बाहर आया। ये देखकर डोरियन पक्षी काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उनके हिसाब के मुताबिक अभी उनके अंडे से चूजा निकालने का समय नहीं हुआ है। चूजे के निकालने के बाद माँ पक्षी अंडे के छिलके को मुँह में लेके घोंसले से बाहर फेंक देती है। चूजे के अंडे से निकालने के कुछ दिन बाद माँ पक्षी को चूजे में कैसी सनसनी स्वाब महसूस हुई, ये देखकर माँ पक्षी हैरान रह गए और इस छोटे चूजे के लिए अपने बचे हुए अंडे के ठीक से सेत नहीं पाती है। फिर भी माँ पक्षी अपने प्यारे अंडे को सेत रही है। एक दिन माँ पक्षी ने देखा कि छोटा चूजा, जिसका अभी तक आँख ही नहीं खुली, उसने घोंसले में पड़ा हुआ 4 अंडे को नीचे गिराने की बेताबी से कोशिश कर रहा है। वो घोंसले से एक अंडा निकालने में कुछ हद तक सफल रहे, लेकिन वो नहीं रुके, उस सभी अंडे को घोंसले से बाहर फेंकने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह चूटी कोयल डोरियन पक्षी के 3 अंडे गिराने में सफल रहे। आखिरी अंडे को जब वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था तो माँ पक्षी ने खुद ही अपने अंडे को घोंसले से नीचे गिरा दिया। शायद माँ पक्षी ने गुस्से में आकर ऐसा किया होगा, या फिर चूजा को अंडा गिराते समय कोई नुकसान ना पहुंचे, शायद यही सोचकर माँ पक्षी ने ऐसा किया होगा। तब से डोरियन पक्षियों ने कोयल के चूजे की देखभाल की और धीरे धीरे उसे बड़ा किया। अब चूजे लंबाई में अपने माता पिता को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर भी मूर्ख डोरियन पक्षियों को कुछ समझ में नहीं आता। ये अब भोजन इकट्ठा करते हैं और चूजों को बड़े प्यार से खिलाते हैं। कभी नर पक्षी खिलाता है तो कभी मादा पक्षी खिलाती है। इस प्रकार ये दोनों दिन रात मेहनत करके कोयल की स्वार्थी बच्चे के लिए भोजन उपलब्ध करवाता है, और जो कि कोयल का चूजा काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए अब इसकी भोजन की मांग भी बढ़ गई है। इसलिए डोरियन पक्षियों ने लगभग पूरा दिन चूजे को खाना खिलाने में बिताता है, और अब यह अपने अंडे की तरफ देखती भी नहीं जो उनके घोंसले से कुछ दूरी पर पड़ा है। लेकिन ये कोयल की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि माँ पक्षी कोयल के चूजे के मल को भी अपने भोजन बनाने में संकोच नहीं करती। इस तरह डोरियन पक्षियों ने दिन रात मेहनत करके उस छोटे कोयल के बच्चे को बड़ा किया। अब उसके शरीर में पंख भी निकल आया है। इस प्रकार लगभग 20 से 25 दिनों के बाद कोयल का बच्चा खड़ा होना सीख जाता है, और वो 2 दिन बाद घोंसले छोड़कर पैर की शाखा पर उड़ के चला गया। अब उसे थोड़ा मोड़ा उड़ना भी आ गया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो हो गया है, लेकिन उसने अभी तक अपना खाना खुद इकट्ठा करना नहीं सीखा है। इसलिए अभी भी पैर की शाखा पर जाके कोयल की स्वार्थी बच्चे को खाना खिलाती है मादा डोरियन पक्षी। किसी समय चूजा पूरी तरह से उड़ना सीख जाएगा, फिर अपना भोजन खुद इकट्ठा करेगा, फिर उसे पालक माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और फिर वो कहीं और उड़ के चला जाएगा, और फिर कभी अपने पालक माता पिता के कवर लेने तक नहीं आएगा। इस प्रकार हजारों कोयल पक्षी प्रजनन के लिए कोई और पक्षियों का घोंसला चुनते हैं, और हजारों कोयल के बच्चे अपने स्वार्थ के लिए घर के अन्य पक्षियों के सभी अंडे को या चूजों को मार देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के बाजू में बने बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।